सुपर स्पॉन्जी और बहुत ज़्यादा टेस्टी इडली बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया इस कप से 3 कप चावल और इसी कप से एक कप उड़द की दाल बिना छिलके वाली, और इसी दाल में मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून तुअर की दाल और 1 टेबल स्पून चना दाल। तो ये दोनों डालने से इडली का टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये मैंने 7 से 8 घंटा दोनों भिगो लिया है चावल और दाल। अब बात आती है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये है पोहा। इसे मैंने आधा घंटे पहले भिगा दिया था। अगर आप पोहा इसमें ऐड करते हैं इडली के बैटर में तो आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगी। और इसी बैटर से अगर आप डोसा बनाते हैं तो डोसा भी बहुत क्रिस्पी बनेगा।